हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश्वर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल, एसीपीसी इंजीनियरिंग एडमिशन बीई बीटेक सेमिस्टर वन का एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर एसीपीसी के थ्रू आया है। बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर शीट्स कैंसिल हुई है और नई शीट ऐड हुई है जो आपको फर्स्ट राउंड में ही दिखने लगेगी और आप अभी से ऐड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में अपने एडमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। और हमने सेमिस्टर वन का मैथ्स वन पढ़ाना शुरू कर दिया है। सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटी, सभी ब्रांच में सेम है, लाइव लेक्चर हो रहा है एप्लीकेशन में। अगर वो कोर्स बाई नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही कोर्स की लिंक दी है, डेमो लेक्चर देख के आप बाई कर सकते हो। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर भी दिया है, उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। अब मैं सीधा सर्कुलर के ऊपर चला जाऊँ तो ये रहा राउंड वन की चॉइस फिलिंग माटे अगत्यनी सूचना। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खाते अभ्यासक्रमों की नवी बैठकों की सूचनाओ है। प्रथम राउंड माटे विद्यार्थी 3/7/2023 सुधी पोर्टल में लॉग इन कर, मतलब अत्यारे थई छे 29/6, એટલે તમે જ્યારે પણ વિડિયો જોતા હો એ દિવસની ડેટ આપ દેખ લો, 3/7 તક આપ લોગ ઇન કરકે ચોઇસ મે ચેન્જ કર સકતે હો। અબ કિતની કિતની જગહ પે કોન સી બ્રાન્ચ મે કિતના ચેન્જ હુઆ હે મે આપકો વન બાય વન દિખા દુ। જીઈસી ગાંધીનગર સિવિલ મે પહેલે 30 સીટ થી અબ 60 નહી એડ હોકે ટોટલ 90 સીટ હો ગઈ હે। જીઈસી ગાંધીનગર ઇલેક્ટ્રિકલ મે સીટ હી નહી થી 60 એડ હોકે ટોટલ 60 હો ગઈ હે। જીઈસી ભાવનગર આઈસીટી મે 30 સીટ એડ હોકે 60 હો ગઈ હે। जीईसी पालनपुर में कंप्यूटर में 60 सीट ऐड हुई है तो 60 है। जीईसी सूरत में एसएस गांधी में कंप्यूटर की 60 सीट आई है, टोटल 60 हो गई है। जीईसी सूरत ईसी में पहले 60 थी और 60 ऐड करके 120 हुई है। जीईसी सूरत में मैकेनिकल में 60 थी और 60 ऐड करी 120 हुई है। एलडी में आईसी की 30 सीट ऐड हुई है, टोटल 90 हुई है। वीजीईसी में आईसीटी की 60 सीट ऐड होगी तो 60, तो मतलब इतनी सीट ऐड हुई है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो ये नया शीट इनटेक 2023 का आ चुका है। अब सामने इन लोगों ने बहुत सारी शीट को कैंसिल भी किया है, फ्रीज किया है। तो देखो कौन सी फ्रीज करी है। तो अगर आप इसमें से कहीं पे डाले हुए हो तो खास ध्यान में रखना, अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो देखो जीईसी भरूच में, मैं वन बाय वन सारी दिखा दू, जीईसी भरूच में ईसी की 60 सीट को कैंसिल कर दिया है, 60 ही बची है ना, टोटल 120 थी अब 60 बची है। जीईसी भरूच में इलेक्ट्रिकल की 120 थी अब 60 बची है। जीईसी भावनगर में ई एंड आई की 30 थी अब 0 हो गई है, सारी फ्रीज कर दी। जीईसी भुज में एनवायरमेंट सारा फ्रीज हो गया, अब वहां पे नहीं मिलेगा। जीईसी गांधीनगर आईसी में 60 सीट ही बची है। बायोमेडिकल में 60 ही बची है। जीईसी बोणासा सिविल में 60 बची है। जीईसी पालनपुर माइनिंग में कोई सीट नहीं बची, सारी फ्रीज। जीईसी पाटन मैकेनिकल में 66 बची है, 30 फ्रीज है ना। ये आपको इंटेक का ही लिस्ट है, रिवाइज इंटेक, ये अभी बची है ना वो है रिवाइज इंटेक, मतलब इतनी शीट अब अवेलेबल है, इतनी फ्रीज हो चुकी है। इतनी ओल्ड शीट थी उसमें से इतनी बची है, बाकी की सारी फ्रीज हो चुकी है। अब जीईसी पाटन की बात करूं, मैकेनिकल 60 बची, 30 फ्रीज। राजकोट में 33 सारी फ्रीज, कोई बची ही नहीं। जीईसी सूरत ई एन आई कोई बची ही नहीं। जीईसी वल्डा एनवायरमेंट कोई बची ही नहीं। एली मोरबी प्रोडक्शन सारा फ्रीज, एली मोरबी इंडस्ट्रियल सारा फ्रीज, एली मोरबी पावर इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ फ्रीज। एस एस ई सी भावनगर आईसी में सब फ्रीज। एस एस ई सी भावनगर मैकेनिकल में 30 सीटी बची, 60 फ्रीज। एस एस ई सी भावनगर में सिविल में 60 फ्रीज, 60 बची। वीजीईसी चांदखेड़ा में ई एन आई की 30 ही बची, 30 फ्रीज कर दी है। तो अब इतनी सीट अवेलेबल है, ये लिस्ट है। तो आप खास ध्यान में रखना, जहां पे 0-0 बता रहा है वो आपने कहीं पे चॉइस फिलिंग में नहीं डाला है ना, अगर डाला है तो चॉइस चेंज कर दीजिए, क्योंकि अब आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा है ना। तो खास ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपने डाला है तो उससे अच्छा है कि ये जो नई शीट ऐड हुई है, इतनी नई इंटेक, यहां से कहीं से भर लीजिए, आपको आपको फायदा मिले गवर्नमेंट में एडमिशन लेने का। अब नीचे क्या लिखा है देख लेते हैं। नई राउंड वन के लिए आप चॉइस फिलिंग 3/7 तक कर सकते हो, मतलब जुलाई की 3 तारीख तक आप कर सकते हो। तो ये खास आज ही सर्कुलर आया हुआ है एसीपीसी का, तो ये सर्कुलर को आराम से आप देख लेना, मैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। और साथ में आपको पढ़ाई शुरू करनी है आपकी, तो हमने लाइव सेशन शुरू किए थे यूट्यूब के ऊपर, 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप ये सेशन भी हमारे ज्वाइंट कर सकते हो। तो ये सब कुछ तो लेट चल रहा है, तो हमने पढ़ाई शुरू कर दी है, तो हर एक जगह से आप आपकी पढ़ाई कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी कोई न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।